स्टूडेंट, चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 का एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है। द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। हमें निकालना है इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। आर यू गेटिंग ना, समझ में आई? अब हम इसे एक बार इसके थ्रू समझते हैं। सपोज डैट ये कोई सॉलिड ब्लॉक है, क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक रखा है हेमिस्फीयर। ये कंप्लीट हेमिस्फीयर नहीं है, सिलिंड्रिकल है, लेकिन सपोज डैट मान लेते हैं कि हेमिस्फीयर है। देन हेमिस्फीयर का ऊपर का पार्ट है सीएसए। सपोज डैट सीएसए है ये ऊपर के पार्ट, और ये सीएसए इतनी स्पेस भी ले रही है। अब देखो यहां से यहां तक स्पेस ये ले रही है, यहां से यहां तक स्पेस, यहां तक यहां तक। ब्लॉक है, ब्लॉक को इतनी स्पेस मींस ब्लॉक को इतनी स्पेस ये हमारी हेमिस्फीयर ले रही है। सी कटोरी सपोज दैट ये ले रही है। सो हमें क्या करना होगा, इतनी सरफेस को भी माइनस करना होगा। गेटिंग ना? सो हम क्या करेंगे, सीएसए लेंगे मींस इसकी सीएसए लेंगे। सपोज दैट ये हमारा हेमिस्फीयर है, देन हेमिस्फीयर का सीएसए लेंगे, ब्लॉक का हम लेंगे टीएसए, और इसमें से ये पाई आर स्क्वायर हमें माइनस करना होगा, क्योंकि एक सर्कल कहीं ना कहीं एक सर्कल के एरिया वो पाई करता है, राइट ना? बॉल है सपोज दैट, जो भी हेमिस्फीयर है वो एक सर्कल के एरिया ऑक्यूपाई करता है। सो हमें एक सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा यहां से। तो हम कैसे निकालेंगे, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। सो लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, 4.2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2.1 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इक्वल्स टू टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब का टीएसए प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और उसमें से माइनस करेंगे इस बेस वाली एरिया को। ओके, इस बेस वाली एरिया को माइनस करेंगे जो ऑक्यूपाई कर रहा है, माइनस पाई स्क्वायर जो कि एक सर्कुलर है। नाउ 6 इंटू एल, साइड कितनी है 5 है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये किसी भी क्यूब के टीएसए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है 2 पाई स्क्वायर माइनस बेस वाले एरिया जो कि एक सर्कुलर पार्ट है उसे माइनस करेंगे पाई स्क्वायर। नौ साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, सो 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर माइनस करेंगे क्या आएगा पाई स्क्वायर। नौ 2 पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर माइनस करेंगे देन आएगा पाई स्क्वायर। नौ साइड है हमारी 5, सो 6, 5 का स्क्वायर क्या है 25, सो 6 इंटू 25 6 इंटू 25 करेंगे प्लस पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। रेडियस कितनी है 2.1, सो 2.1 को हम क्या करेंगे यहां से रिमूव करेंगे डेसिमल और उसे 10 से डिवाइड करेंगे, यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे और यहां पे 1 पे 10 पुट कर देंगे। नौ 6 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलती है 150, और इसे कट करेंगे 7 3 21। नौ अब हम क्या करेंगे, नौ 7 3 21, नौ 22 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 3 66 एंड देन 21, 66 इंटू 21 150 प्लस 66 इंटू 21, एंड डॉन में क्या है नीचे क्या है 10 इंटू 10 100, 66 इंटू 21 150 प्लस 66 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 100, 150 प्लस 66 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 1386 एंड आता है और उसे 100 से डिवाइड करेंगे। देन 150 प्लस 1386 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं देन 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट कर सकते हैं, 150 प्लस 13.86, 150 में 13.86 को जब हम ऐड करते हैं देन हमें मिल जाती है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिलती है हमें 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया कितना आता है 163.86। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डॉट है, देन यू कैन आस्क टू मी ओके इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।